नाम है सतीश और आप सुन रहे हैं सतीश सोनी के किस्से जो बदल दे आपकी जिंदगी के कहीं सारे हिस्से। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान से गुजर रहा होता है और गुजरते समय मन ही मन विचार करता है, कुछ बुदबुदाहट के साथ कहता है कि भगवान आप कितने निर्दयी हैं कि आपने इस रेगिस्तान के अंदर एक हरियाली भी नहीं लगाई है, आपने इसको हरा भरा क्यों नहीं किया। और मन ही मन भगवान को दोष मनता रहता है। तभी कुछ दूर चलकर वो देखता है कि उसको एक कुआं दिखाई देता है, कुआं पानी से भरा हुआ है। वो व्यक्ति अक्सर उस रेगिस्तान से निकल रहा होता है और तब उसे वहां कोई कुआं नहीं दिखता है, लेकिन इस बार उसे वहां कुआं दिखता है। कुआं देखते समय उसके मन में विचार आता है कि काश यहाँ कोई बाल्टी या रस्सी होती, और थोड़ी ही दूर पे उसे एक बाल्टी और रस्सी मिल जाती है। बाल्टी और रस्सी देखकर भी उसका मन संतुष्ट नहीं होता और उसे लगता है कि कोई इस रेगिस्तान में मैं पानी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाऊंगा। तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक ऊंट खड़ा हुआ होता है, जिससे कि उसे इस सवाल का भी समाधान मिल जाता है कि उस पानी को कहीं ले जा सकता है। लेकिन वो इस तमाम चीजों को और संसाधन के होने के बावजूद भी कुछ करता नहीं है और वहां से निकलकर थोड़ी दूर चलता जाता है। और तभी वो देखता है कि एक कागज का टुकड़ा उसके पास आकर सीने में टच हो जाता है, और जिसमें लिखा रहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था करी, मैंने तुम्हारे लिए ऊंट की व्यवस्था करी, मैंने तुम्हारे लिए रस्सी और बाल्टी की व्यवस्था करी, लेकिन तुमने कुछ किया नहीं, तुमने सिर्फ सोचा और मुझे दोष दिया। तुम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, इस रेगिस्तान को हरियाली से भर सकते थे यदि तुम चाहते तो। कई बार इंसान सिर्फ दोष मनने में बहुत मजा आता है। कई बार कभी सरकार को दोषी होना, कभी बुजुर्गों को दोषी रहना, कभी जिस समाज में जन्म लिया है, जिस घर में जन्म लिया है, उसकी व्यवस्थाओं को दोष देना बजाय इसके कि कुछ कर लेना। और इस दोष मनने में व्यक्ति अपने पास जो क्षमता है उनको खो देता है और पूरे जीवन भर दूसरों पर दोष मनता रहता है। ऐसे में उसके पास जो हुनर है उसका विकास तो नहीं होता, लेकिन उसके पास जो है वो भी चला जाता है।